हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, आईटीओ में पुलिस ने किसानों पर किया है लाठी चार्ज, आंसू के गोले छोड़े गए और कई प्रकार के जी हां दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आखिर क्या वाकई में क्या हुआ, इस बारे में हमने बातचीत की। जी हां दोस्तों, क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है उस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों बता दिया आपको कि आईटीओ में आज जो है पुलिसों ने जो है किसानों पर बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लाठी चार्ज किया और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है, जो आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि किसानों ने सबसे पहले जो है बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की और उस प्रकार का जो है इंजाम लगाए गए। लेकिन जब किसानों से बातचीत में ये मामला सामने निकल के आया तो किसानों का कहना है कि जब उन्हें परमिशन मिली थी ट्रैक्टर रैली की तो आखिरकार उनका रास्ता क्यों रोका गया। वो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने रास्ते पर जा रहे थे लेकिन उसके बावजूद उनका रास्ता रोक दिया गया, उनके यात्रा को रोक दिया गया, जिसकी वजह से किसानों ने उनसे बातचीत की। बातचीत में कोई जब सोल्यूशन नहीं निकला तो यहाँ पर किसानों पर लाठी चार्ज और आंसू के गोले छोड़े जाने लगे, जिसको लेकर काफ़ी जगहों पर मीडिया और मोदी सरकार की जो है थूथू हो रही है कि आखिर किस प्रकार का ये समाज बन चुका है, किस प्रकार की राजनीति सरकार में की जा रही है कि मोदी सरकार ऐसे समय पर यानी कि 26 जनवरी जब देश में जो है आज़ादी का जी हां दोस्तों प्रजातंत्र दिवस है आज, जो उसके बावजूद इस गणतंत्र दिवस पे जहां पूरी दुनिया की नजरें जो है भारत पर होती हैं कि आज हमारा जो है संविधान का दिवस है, उसके बावजूद आज हमें ही अधिकार नहीं है कि हम सड़कों पर प्रदर्शन कर सके। जब शांतिपूर्वक ढंग से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे पिछले लंबे समय से और आज उन्हें जो है पूरी तरह से परमिशन भी दी गई, उसके बावजूद उनका रास्ता रोका गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उपद्रव देखने को मिला। कई न्यूज चैनलों का कहना है कि ये किसान असली नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वाकई में आप आके देखिए फील्ड पर कि वही किसान है जो अन्नदाता है, जो अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, तब जाके हम सभी का पेट भरता है। और आज उन्हीं किसानों पर इतने गंभीरता से लाठी चार्ज किया जा रहा है जैसे कि वो हमारे देश के नागरिक ही ना हो। साथ में बात बता दे, आज बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, इसके ऊपर एक कार्रवाई बैठने वाली। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग बैठेगी जिसके ऊपर चर्चा किया जाएगा आखिरकार इस किसान रैली को लेकर इतना उपद्रव कैसे मनाया गया। जी हाँ, कई जनों का कहना है कि किसान पूरी तरह से रणनीति बनाकर आए थे इस प्रकार का उपद्रव करने के लिए। तो किसानों का कहना है कि उन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाया था, वो शांतिपूर्वक ढंग से अपने यात्रा को करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने जो है पूरी तरह से उन्हें रोक दिया गया था, उनका रास्ता जाम कर दिया गया, तो उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उपद्रव आईटीओ पर देखने को मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये मसला सुलझे और सरकार इस बात को जो एक्सेप्ट करे कि किसानों का जो बिल है उनके पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह से उस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा इस प्रकार की जो आंदोलन और लाठीचार्ज इस प्रकार के हमें देखने पड़े वो काफी जो है निंदनीय है, क्योंकि किसान जो है देश के अन्नदाता है। जय जवान जय किसान, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।